न्यूटन का पहला लॉ जिसे न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, वो कहता है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, यानी कि वो अगर खड़ी है तो खड़ी ही रहेगी, और अगर मोशन में है यानी चल रही है तो जिस स्पीड और डायरेक्शन में चल रही है उसी स्पीड और डायरेक्शन में हमेशा चलते रहेगी, यानी उसकी वेलोसिटी फिक्स्ड रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसके इस स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को बदल ना दे। न्यूटनवा एकदम खत्म भगानिक है, कुछ कुछ बोलता रहता है, चलता हुआ चीज चलते रहेगा, अरे चलता हुआ चीज रुक जाता है, काहे लुल जैसा बात करते हैं मंटू भैया। अभी दोनों बुढ़ा बच्चा लोग को देखिए, शायद आपको न्यूटन चाचा का बात समझ आ जाए। एकदम रफ सरफेस पे रफ टायर वाली गाड़ी को फ्री फॉल कराता है तो वो थोड़ा दूर जाके रुक जाता है। अभी दोनों चाचा लोग दिमाग लगाता है, थोड़ा स्मूथ चक्का वाला गाड़ी लेता है और सरफेस पे थोड़ा लुब्रिकेटिंग ऑयल डालता है ताकि सरफेस और चिकना हो जाए और फ्रिक्शनल फोर्स और घट जाए। एक बार फिर से रेस शुरू होता है और गाड़ी जो है वो ज्यादा डिस्टेंस तय करती है। अगर सरफेस को और चिकना किया जाए, अच्छी क्वालिटी ट्रैक्स यूज की जाए तो और भी ज्यादा डिस्टेंस ये कार्स ट्रैवल करेंगी। अगर फ्रिक्शन को एफ से और डिस्टेंस ट्रैवल्ड को डी से रिप्रेजेंट किया जाए तो हम कह सकते हैं कि पॉलिशिंग या लुब्रिकेशन से फ्रिक्शन एफ जो है वो घटता है। एक बात और कि जब भी हम पॉलिशिंग या लुब्रिकेशन करते हैं तो कार जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे फ्रिक्शन घटता जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बढ़ता जाएगा और फाइनली जब फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा यानी एब्सोल्युटली स्मूथ सरफेस पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि कार कभी रुकेगी ही नहीं। अब समझे मंटू भैया कौन लुल है। इन शॉर्ट, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदलती है तो हम कहते हैं वो एक्सलरेट हो रहा है और हर ऐसे एक्सलरेशन के पीछे कोई एक्सटर्नल फोर्स जिम्मेदार होता है। यानी बगैर एक्सटर्नल फोर्स के ना तो रुकी हुई चीज चलने लगती है और ना ही चलती हुई चीज अपना डायरेक्शन बदलती है या स्पीड घटाती बढ़ाती है। लेकिन हर बॉडी इस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करती है और अपने स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट को चेंज नहीं होने देना चाहती। इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं, जो कि उसके मास यानी कि वजन पर डिपेंड करता है। यहाँ हल्के एल्युमिनियम के प्लेट का इनर्शिया कम है और भारी अंडे का इनर्शिया ज्यादा है। लॉ का एप्लीकेशन क्या तुम्हारा चाचा बताएगा? अगला वीडियो के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए चाचा।